हालत तो खराब है यार, चैलेंज बहुत टफ पड़ रहा है हमें। गाइस हमने देखो लाइट ऑन कर रखी है आगे की, अगर कुछ भी होता है तो दिख जाएगा हमें। ओ तो जय हिंद दोस्तों, फाइनली दोस्तों फिर से एक वीडियो के लिए, भाई व्लॉग के लिए निकल चुके हैं। और जो आज व्लॉग होने वाला है गाइस, आप लोगों के कहने पर हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों की फरमाइश थी जब मैं लाइव आया था, उसमें भी काफी कमेंट्स आए थे, भाई एक हॉरर कैंपिंग वीडियो बनाइए, कब्रिस्तान में वीडियो बनाइए। तो फाइनली गाइस ऐसी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे भाई हमारे जस्ट सामने कब्रिस्तान है। तो आज हम जो करने वाले भाई चैलेंज वीडियो करने वाले है, चैलेंज ये है 12 आवर्स अपने स्टे करेंगे चौने के पास, और वो भी करेंगे गाड़ी के अंदर, भाई गाड़ी के अंदर करेंगे। और भाई निकल चुका है मेरे साथ, कौन है भाई अपने, ये है भाई हमारे भतीजे, क्यों जी जय हिंद करो। जय हिंद दोस्त। तो अपने साथ आ चुके हैं भाई अपने भारत भाई, भारत भारत जी आ चुके हैं। तो अपने भतीजे हैं ये, तो ये भी साथ में है। तो आज हम दोनों भाई कार में ही स्टे करेंगे पूरी रात। आज भाई बता दूं, कुछ खाने के लिए भी लेंगे, खाने के लिए पास हमारे पास कुछ स्नैक्स है, बिस्किट है, चिप्स है, तो वो हम खाएंगे। और आज भाई यहीं पे हम सरवाइव करेंगे अच्छे से, तो देखते भाई क्या होता है हमारे साथ, क्या नहीं होता, तो वो तो भाई हमें पता लगेगी। तो अभी हम रुक चुके हैं भाई यहाँ पे, और डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, डरना मत, जो डर गया ना सो मर गया। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ भाई जो लोकेशन है कितनी खतरनाक है। एक बार तो मुझे नीचे उतरना पड़ेगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कहाँ पे कब्रिस्तान है, क्योंकि कार से मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी ऑन रोड है, नीचे उतर के मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। और भाई आज निकलते हैं, चले चलो है? चलो तो निकलते हैं भाई, 12 आवर्स चैलेंज होगा वीडियो। और जो अभी टाइम हो रहा है, टाइम को बता दो भाई, अभी बज रहे 6, और देखो बिल्कुल घना अंधेरा भी हो चुका है गाइस, ये देखो कितना अंधेरा हो चुका है, ये देखो लाइट ऑन करते हैं, ये देखो बिल्कुल घना अंधेरा, देखो बिल्कुल अंधेरा। तो निकलते भाई आपको दिखाता हूँ जहाँ पे कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान दिखाते हैं जहाँ पे भाई चिताएं जलती है काफी ज्यादा। तो चले चलो चल आ जाओ भाई। तो निकल चुके गाइस, आपको दिखाते भाई चौने, ये यहाँ
ये रे। तो ये कुछ भाई दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कुछ थे कब्रिस्तान के पास में गाइस। और ये देखो गाइस बिल्कुल घना जंगल है गाइस। भाई साहब डर तो नहीं लग रहा है? बता देना। तो कुछ खा लिया जाए पहले है? तो लाइट बंद कर लेते हैं सामने के। नहीं बिल्कुल अंधेरा हो गया गाइस। ये देखो बिल्कुल भाई। ओह माय गॉड ये देखो। ओहो। और जो कब्रिस्तान है गाइस ये हमारे इधर से लेफ्ट साइड में जो आपको बताया था इधर साइड में वो कब्रिस्तान है। तो दोस्तों भाई ठंड काफी हो रही है और भाई आज का जो चैलेंज है ना उसमें ये भी है कि हम आज कोई स्लीपिंग बैग कम्बल कुछ नहीं ओढ़ेंगे। क्यों भाई? और इनफैक्ट गाइस ये भी है कि हमें अगर हमें फ्रेश होना है भाई वॉशरूम भी जाना है ना तो भाई आज गाड़ी के अंदर ही करना है। और गाड़ी के अंदर की बता दो भाई हमारे पास देखो बोतल देना गाइस बोतल भी रखी हुई है हमने। तो जो भी भाई रात को कुछ होता है ना भाई तो भाई इसी में करना है। ठीक है ना? ठीक है। उधर और गाइस टाइम की बात बता दूं 6 बजे हमने स्टार्ट किया था और 2 घंटे हो चुके हैं भाई गाड़ी में बैठे बैठे बकवास कर रहे थे गाने सुन रहे थे गाड़ी में म्यूजिक सुन रहे थे और भाई काफी खतरनाक आवाजें आने लगी है क्योंकि अभी बज रही गाइस 9। क्यों? तो कुछ खा लीजिए क्योंकि भाई खाना वाना खा के आए थे थोड़ा घर से हम जब निकले थे तो कुछ स्नैक्स लेके आए थे क्योंकि भाई जब रात भर जगना है ना तो भूख तो भाई लगने लगी है। क्यों जी कुछ निकाल यार। तो हमारे पास तो ये गाइस हम कुछ स्नैक्स लेके आए थे। ये देखिए बिस्किट भी है पानी की बोतल भी अपने पास और कुछ खा पी लेते हैं। क्यों? तो क्या खाएगा? ये खा पी पहले नहीं तो ये रखो देखते हैं क्या होता है भाई। और आवाज भाई ऐसे जंगल की जो आवाज होती है ना खतरनाक होती है भाई। लेकिन आवाज हमें कम आ रही है क्योंकि हमारे शीशे बंद है बस इतना इतना शीशा खुला हुआ है ताकि हम भाई थोड़ा सेफ जिंदा रहे अदरवाइज हमारा भाई दम घुट जाएगा। क्यों? चलो हाँ गाइस आप लोग भी खा सकते हैं गाइस। डर तो नहीं लग रहा? थोड़ी देर कुछ आवाज
ठीक लगेगी आज। हाँ इसे पीछे कर ले सीट है, बस मोबाइल ले ले, मोबाइल चलाने तो मोबाइल रखा है, ठीक है ना। तो गाइस मुझे तारे भाई नींद, मैं तो भाई सोने की तैयारी कर रहा हूँ। आजा आजा अभी चल हम देख ले सारा क्या है।
अंकल वो रहे। वो चल रहे सामने। भाई को काफ़ी डर लग रहा है, तो भाई मुझे भी कुछ फील हो रहा है कि भाई यहाँ रुकना मुश्किल है, क्योंकि भाई चैलेंज होता ना काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है। क्यों? तो भाई जान का खतरा ना लेकर के भाई यहाँ से निकलते मुश्किल है, क्योंकि भाई आवाज़ें आ रही है और काफ़ी चीज़ें हमारे सामने फेस हो चुकी है, और भाई को भाई काफ़ी डर भी लग रहा है। क्यों? तो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। क्या करें सने? क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। तो भाई काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है, तो निकलते भाई यहाँ से, क्योंकि चैलेंज भाई काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है, तो फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अंकल ये कौन है? ओ अंकल चलो जल्दी से, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो भाई तो जान है, तो भाई जान है, क्योंकि भाई इतना 1200 ऊपर टाइम हो चुका है, तो इतना भाई हमारे लिए चैलेंज काफी गाइस। फुल पूरा चैलेंज नहीं कंप्लीट कर पा रहे, तो उसके लिए गाइस सॉरी, फिर कभी आएंगे, फिर कभी चैलेंज करेंगे, क्योंकि भाई भाई को काफी डर लग रहा है साथ किसी बंदे को, या फिर मैं किसी दिन सोलो कैंपिंग करूंगा। ये जो 12 आवर्स का चैलेंज है ना, इस दिन अकेले करूंगा, क्योंकि भाई भाई को डर लग रहा है, क्योंकि फायदा नहीं है किसी की जान को रिस्क पे मतलब डालना भाई। तो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको मिलते हैं गाइस। चलो ये देखो कितनी खतरनाक आवाज आ रही है भाई, यहाँ से निकलते हैं। क्यों चले? गाइस देखो, ओ माय गॉड भाई साहब, अंकल देख लो पीछे कौन है। ओ गाइस इधर से भी आवाज आ रही है। ओ गाइस अंकल और तेज आ रही है। गाइस निकलते हैं यहाँ से, फायदा नहीं है रुकने से। ओह माय गॉड भाई, आगे से तो रास्ता मोड़ बैक करने का भी नहीं है शायद, गाड़ी का है क्या आगे? भाई गाड़ी बैक करने की तो जगह मिल गई भाई, कितने खतरनाक। ओयो ओयो क्या है? ओ भाई ये क्या है? गले तो कुछ खा रहे हैं भाई, ये भूत में कुछ बन तो नहीं गए? चल भाई गाड़ी को तेज निकाल लेते हैं। चलो हैं भाई गाड़ी को तेज निकालते हैं। ओ ओ गाइस क्या था ये भाई?
ओ भाई खतरनाक था भाई। ओ ओ माय गॉड। ओ भाई तो गाइस गाड़ी हमने निकाल दी, यहाँ रुकने से भाई पॉसिबल नहीं था, कुछ फायदा नहीं था। ये देखो गाइस सामने भाई यहाँ पे, ओ माय गॉड, ये देखिए हम किसी गांव की तरफ आ चुके हैं यहाँ पे भाई, क्योंकि अपने घर से कम 60 किलोमीटर हम दूर गए थे जहाँ पे कब्रिस्तान था, जहाँ पे हमने सुना था भाई। और यहीं पे कहीं गाड़ी लगाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं गाइस। हमने एक सेफ लोकेशन पे गाड़ी लगा दी भाई, और जो टाइम हो रहा है भाई अभी 1 बज रहे हैं भाई। डर लग रहा था वहाँ से, डर लग रहा था तो भाई ये तो रोने लग गया था, इसके तो आंखों में आंसू भी आ गए थे क्योंकि काफी खतरनाक था भाई। तो इतना भी रिस्क नहीं लेना गाइस कि जब जहाँ पे कहते हैं हमारे बड़े बड़ों का कहना है कि जहाँ पे भाई आपको कुछ अच्छा ना लगे ना तो वहाँ से भाई निकल जाना चाहिए। तो भाई 12 घंटे की तो वीडियो चाहते तो वहाँ पे नहीं बना सकते थे, बट भाई रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो भाई वहाँ से निकलना हमारे लिए सेफ रहा क्योंकि भाई इसको ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली कैंपिंग वीडियो में या एक किसी ऐसी चैलेंज वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।